हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज का टॉपिक है पंप में जो सेंट्रिफ्यूगल पंप में ग्लैंड पैकिंग लगता है उसके बारे में है, और उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि ग्लैंड पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, ग्लैंड पैकिंग को किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस किस पॉइंट में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और कुछ मैकेनिकल रिलेटेड टूल्स वगैरह बाय करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट। तो पहले जानते हैं कि ग्लैंड पैकिंग पंप में यूज क्यों किया जाता है। पंप में सेंट्रिफ्यूगल पंप में ग्लैंड पैकिंग का यूज़ लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। जो आप लोगों को केसिंग दिख रहा है, उस केसिंग के अंदर कोई भी लिक्विड हो सकता है, उस लिक्विड या वाटर का लीकेज को कम करने के लिए ग्लैंड पैकिंग का यूज किया जाता है। ये ग्लैंड पैकिंग जो है फुल्ली लीकेज को बंद नहीं करता है। फुल्ली लीकेज को बंद करने के लिए सेंट्रिफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है। बट बहुत सारे पंप ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग को ग्लैंड पैकिंग का यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मल वाटर रहता है, और जैसे ही हार्मफुल लिक्विड हो जाएगा तो हम लोग को उस सेंट्रिफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का यूज करना होगा। इस चीज़ को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्मल वाटर रहता है, जिसका वेस्टेज को हम लोग थोड़ा सा वेस्ट कर सकते हैं, उस तरह के पंप में हम लोग ग्लैंड पैकिंग का या ग्लैंड रॉप का यूज करते हैं। और जिसमें हम लोग थोड़ा सा भी लीकेज को नहीं रखना चाहते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप में, तो उस जगह में हम लोग को मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है। तो अब जानते हैं कि कितने प्रकार के ग्लैंड रॉप आते हैं। तो ग्लैंड रॉप जो होते हैं वो आते हैं ग्रेफाइट के आते हैं, PTFE के आते हैं, कार्बन प्लस ग्रेफाइट के आते हैं, PTFE प्लस ग्रेफाइट के आते हैं। तो इतने प्रकार के आप लोगों के ग्लैंड पैकिंग मिल जाएगा मार्केट में। आप लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखने को इतने प्रकार का ग्लैंड रॉप आप लोगों को मिल जाएगा। अब जानेंगे कि हम लोग ग्लैंड पैकिंग का चुनाव कैसे करें, कि कौन सा ग्लैंड रॉप हम लोग का पंप में यूज होगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। तो इस ग्लैंड पैकिंग का आपको चुनाव करने के लिए पहले आपको जो पंप के अंदर लिक्विड है उसका पीएच वैल्यू को जानना पड़ेगा कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। आपको पंप का टेम्परेचर जानना होगा, उस लिक्विड का टेम्परेचर, कि वो कितना टेम्परेचर में उसके पंप के केसिंग के अंदर से लिक्विड पार हो रहा है। पंप का प्रेशर को जानना पड़ेगा आप लोगों को, पंप का स्पीड को जानना पड़ेगा आप लोगों को, और स्टेपन बॉक्स का जो क्लियरेंस रहता है स्टेपन बॉक्स और शाफ्ट के बीच में, शाफ्ट या स्लीप के बीच में जो आपका गैप रहता है, उस गैप को आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही साइज का उस पर ग्लैंड रॉप यूज होगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी ग्लैंड रॉप का चुनाव करें। ठीक है, तो और ये पंप के लिए है। और वाल्व में ज़्यादातर जो वाल्व रहते हैं, गेट वाल्व जो रहते हैं, उस पर कार्बन का ही ज़्यादातर ग्लैंड रॉप यूज किया जाता है। और पंप में, सेंट्रिफ्यूगल पंप में कॉमन PTFE का ज़्यादा यूज किया जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। PTFE का सेंट्रिफ्यूगल पंप में ज़्यादा यूज किया जाता है, और जो गेट वाल्व रहते हैं उस गेट वाल्व में कार्बन का जो ग्लैंड रॉप आता है उसको ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसके अंदर वायर भी रहते हैं। ग्लैंड रॉप के अंदर आपको कार्बन के साथ उसके साथ मेटल का वायर दिखेगा उस ग्लैंड रॉप का अंदर, तो वो ज़्यादातर गेट वाल्व वगैरह में यूज किया जाता है। अब जानेंगे हम लोग कि ग्लैंड रॉप को किस तरह से यूज किया जाता है। तो ग्लैंड रॉप को आप लोगों को यूज करने से पहले जो ओल्ड ग्लैंड रॉप है उसको अच्छी तरह से पंप से रिमूव कर लीजिए, पूरा स्टेफन बॉक्स से। स्लीव का कंडीशन चेक करना है आप लोगों को कि स्लीव कहीं ऊपर से कटा तो नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ग्लैंड का साइज आप लोगों को सही चुनना है। अगर कहीं पे 8 का ग्लैंड लग रहा है तो उस पे 8 का ही डालना है, कहीं पे 10 का लग रहा है तो उस पे 10 का ही ग्लैंड रॉप आप लोगों को यूज करना है। स्टेपन बॉक्स का कंडीशन देखना है, स्टेपन बॉक्स अंदर से कोरोटेड तो नहीं हो गया है, इस चीज़ को आप लोगों को चेक करना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डैमेज अंदर से हो गया होगा तो भी ग्लैंड का लीकेज बंद नहीं होगा। और आपको
दोनों ग्लैंड रोप के बीच में एक लैटरन रिंग लगता है, उसको भी चेक करना है। बहुत बार लैटरन रिंग भी डैमेज हो जाता है, जिसका वजह से ग्लैंड से रेगुलर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। और कभी भी ग्लैंड पैकिंग लगाने के बाद आपको वो फुल्ली सील नहीं करेगा, उस जगह से हल्का सा ड्रॉपिंग, वाटर का ड्रॉपिंग रेगुलर होते रहेगा, उसको ड्रॉप में ही रखना है। अगर ज़्यादा लीकेज हो रहा है तो जो आप लोगों को नट दिख रहा है उसको ग्लैंड पुशर बोला जाता है, उस ग्लैंड पुशर के दोनों नट को आप लोगों को क्रॉस वाइज में टाइट करना है, जिससे उसका लीकेज कुछ देर के लिए कम हो जाएगा, वो फिर से पंप रनिंग होते रहता तो ग्लैंड का जो वाटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा स्पीड थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये अच्छी तरह से सील नहीं करता, उसके लिए मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है। अब ग्लैंड रोप को कट कैसे करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ग्लैंड रोप को आपको लगाना है तो 45 डिग्री में ग्लैंड रोप को कट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, उसी 45 डिग्री में ही कट करें। कभी भी स्ट्रेट मत कट कर दीजिए, वो प्रोसेस में नहीं है, वो इंटरव्यू में भी आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी ग्लैंड रोप को यूज करना है तो 45 डिग्री में कट करना है। और ग्लैंड रोप को स्टेपन बॉक्स में डालने का भी प्रोसेस है, हर एक 45 डिग्री में उसका जॉइंट होना चाहिए, जो ग्लैंड रोप का जॉइंट आ रहा दोनों मुंह का वो हर एक 45 में डिग्री में होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को फोटो में दिखा रहा हूँ। एक जॉइंट अगर नीचे आएगा तो उसका 45 डिग्री में एक जॉइंट आएगा, फिर एक जॉइंट ऊपर आएगा, इसी प्रोसेस में चलते रहेगा। और लैटरन रिंग को जहाँ पे कूलिंग वाटर का लाइन दिया रहता है, ग्लैंड रोप को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर का लाइन दिया रहता है, जहाँ पे कूलिंग वाटर का लाइन का पॉइंट रहेगा, जहाँ पे कूलिंग वाटर रेगुलर गिर रहा, उसी के नीचे लैटरन रिंग को लगाना है आप लोगों को। कभी भी उसके सेंटर से अलग, कभी भी राइट कभी लेफ्ट आपको नहीं लगा देना है, जो भी कूलिंग ट्यूब का सेंटर का जो होल होगा उसके नीचे ही लैटरन रिंग को आप लोगों को डालना है। उस पर आप लोगों को दो ग्लैंड रोप पहले डालना पड़ सकता है, तीन डालना पड़ सकता है, इस चीज़ को आप लोगों को अपने से मेजर कर लेना है। और लैटरन रिंग को हमेशा कूलिंग वाटर ट्यूब के नीचे रखना है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। तो इतना सारा पॉइंट था, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। कभी भी ग्लैंड रोप डालते समय स्लीव, स्टेपन बॉक्स और ग्लैंड का साइज, जो ग्लैंड का साइज रहेगा वो आपको एकदम एक्यूरेट लेना है। उसका मेजर करने का भी एक प्रोसेस होता है, स्टेपन बॉक्स और स्लीव का बीच का जो गैप है उसको आप लोगों को मेजर कर लेना है, या तो स्लीव का आउटर डाया और स्टेपन बॉक्स का इनर डाया मेजर करके जब आप माइनस कर लोगे तो आपका ग्लैंड का साइज आपको निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से ही आपको ग्लैंड रोप को चेंज करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव आप लोगों को ग्लैंड रोप चेंज करके दिखाऊंगा, इस पर मैंने खाली सिंपल जानकारी दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।